फूटिया करता था। तो आज सुबह को हम निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे न्यू मार्केट और एस्प्लेनेड एरिया पे, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे आज वेरियस ऑफ फूड्स और ट्राई करेंगे कुछ न्यू फूड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एस्प्लेनेड और धर्मतला न्यू मार्केट एरिया पे। चलिए आज का जो ये ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। अगर आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है पुड़िया करतला को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो সকাল শুরুতেই আমরা চলে আসলাম সল্ট লেক নিকো পার্ক এরিয়াতে আমরা ব্রেকফাস্ট করার জন্য চলে বটুরে। व्हाट इज सो गाइस, देख सकते हो यहां पे सॉस दिया है और बटुरे भी है, छोला भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो তারপর বন্ধুরা নিকো পার্কের এরিয়া ঘোরার পর আমরা ঠিক বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম এবং চলে আসলাম ধর্মতলার খুব বিখ্যাত এবং ফেমাস। তো গাইস কলকাতা পে আয়ে আর কলকাতা কা স্পেশাল গোলগাপ্পা ইয়া ফুচকা ট্রাই নহি কিয়া তো কিয়া ট্রাই কিয়া, তো ইসকে লিয়ে হাম নিকল পড়ে ফুচকা খানে কে লিয়ে ধর্মতলা ইয়া ফির এসপ্লেনেড এরিয়া পে। तो गाइज इसके बाद हम आ गए थे कोलकाता का फेमस पापड़ी चाट या फिर भेलपुरी ट्राई करने के लिए, जो कि था बेस्ट टू बेस्ट। कैसा लगा? अच्छा डाला है ना, तो स्वाद बहुत अच्छा। चलो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्लेट मेरे हाथ पे है, पापड़ी दिया है, पापड़ी के ऊपर दही दिया है और एक मतलब मिक्स है, कालू का एक मिक्स दिया है ऊपर और उसके ऊपर दही है और भुजिया है और नारियल है और धनिया है, बहुत कुछ है और मसाला तो है ही, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अभी खाएंगे और बताएंगे आपको ये एक्चुअली कैसा था। कोलकाता आए और ये चाट ना खाए, पापड़ी चाट ना खाए, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो घूम घूम के बहुत गर्मी में हमारा हाल बहुत बुरा हो गया था, तो इसलिए हमने ट्राई किया जलजीरा या फिर जो एस्प्लेनेड एरिया पे बहुत फेमस बिकता है, एक ऐसा शरबत है जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है। तो हमें ये पड़ा था 20 रुपीज़ का, जो कि 10 रुपीज़ का आता था। लेकिन
तो गाइस एपिसोड 3 को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, बने रहिए और मिलते हैं 4th एपिसोड पे।